आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, रसीला और दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसा। जैसा हलवाई बनाते हैं ना भंडारे में, हम बिल्कुल वैसा ही हलवा बनाएंगे। मैं आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी कि आपको कितना पानी डालना है, कितना सूजी डालना है और कितना चीनी डालना है, ताकि आपका जो हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बने, हलवाई जैसा जैसा हलवाई बनाते हैं। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता, स्वागत है आपका कविताज किचन में। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप घी लिया है। जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाएगा और गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, नारियल लिया है। इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए गाइस, हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। अब हम बचे हुए घी में ही सूजी को भी भूनेंगे। मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली है। एक कप सूजी के लिए आधा कप घी यूज किया है मैंने। हम यहाँ पर ज्यादा घी नहीं डालेंगे, जितना मैंने आपको बताया है गाइस, आप इसी हिसाब से डालें। आपका जो सूजी का हलवा है बिल्कुल दानेदार और रसीला बनके तैयार होगा। हम मीडियम फ्लेम पर सूजी को लगातार चलाते रहेंगे ब्राउन होने तक। देखिए गाइस, हमारी जो सूजी है ये ब्राउन हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हम एक कप चीनी डाल देंगे। जिस कप से मैंने सूजी ली थी ना, हम उसी कप से एक कप चीनी डाल देंगे और इसे भी एक से दो मिनट तक सूजी के साथ भूनेंगे। गाइस, आप एक बार इस तरीके से बना के देखना सूजी का हलवा, ये फटाफट तैयार हो जाएगा बनके और बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट आएगा, वो भी बिना ज्यादा कोई घी यूज किए। मैं यहाँ पर पानी की जगह पर दूध डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर दो कप दूध लिया है और एक कप पानी लिया है। हम हमेशा हलवा बनाते टाइम जितना हम सूजी लेंगे ना, हम उसका हमेशा तीन गुना पानी डालेंगे। इसलिए मैंने दो कप दूध और एक कप पानी मिला के तीन गुना पानी लिया है। अगर आप पानी में बनाना चाहें तो आप पानी में भी बना सकते हैं। बच्चों, हलवाई हैं वो दूध में बनाते हैं, वो आधा दूध लेते हैं और आधा पानी लेते हैं हलवा बनाते टाइम। इसलिए उनका जो हलवा है वो दानेदार और अच्छा सा बन के तैयार होता है, रसीला। तो आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखना गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो एक जगह पर जमे ना और उसका एक एक दाना अलग अलग बन के तैयार हो। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने भून के रखा हुआ था, और इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी सूजी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। और गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी रेसिपीज शेयर किए गाइस, जो बहुत ही इजी हैं और फटाफट बनके तैयार हो जाती हैं। मैंने आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी, शाही चाप की रेसिपी और गुलाब जामुन ऐसी बहुत सी रेसिपी शेयर की है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। देखिए गाइस, ये जो हमारा सूजी का हलवा है ये गाढ़ा होने लगा है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सही पोजीशन में नहीं आ जाता। देखिए, हमारी ये जो सूजी का हलवा है बिल्कुल इसका कलर चेंज होने लगा है। आप एक बार दूध में बना के देखना गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दूध में। आप चाहें तो एक कप दूध डाल सकते हैं और दो कप पानी। अगर आपके पास दूध ज्यादा है तो आप दो कप दूध डाल दें या फिर तीन कप ही डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और जो हलवा है वो खाने में इतना टेस्टी लगेगा, आपको बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट आएगा उस हलवे में। अब हम यहाँ पर फूड कलर डालेंगे। मैंने आधे कप दूध में, जो छोटा वाला कप होता है उसमें मैंने आधे कप दूध में चुटकी भर फूड कलर डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए गाइस, हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे क्योंकि हलवा ठंडा होने के बाद वैसे ही ज़्यादा सूख जाता है, इसलिए हम इसे इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। मुझे तो गीला हलवा पसंद है, इसलिए मैं इसी स्टेज पर इसे सर्व कर रही हूँ। और देखिए गाइस, कितना अच्छा बना है हमारा हलवा, बिल्कुल दानेदार। आप भी ऐसे ही बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपकी रेसिपी कैसी लगी। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Bye bye.